आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो कभी दुखी नहीं रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे पहली बात और देखिए वो काम करिए जो आपको पसंद है देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप नशा करिए या मदिरा का सेवन करिए लेकिन कोई ऐसा काम जो आपको पसंद है वो करें देखिए ऐसा भी होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि ऐसा ना करो वैसा ना करो इसका एक एग्जाम्पल देखिए भाई किसी दोस्त ने कहा चलो बाजार घूम के आते हैं आपका मन नहीं है लेकिन वो नाराज ना हो जाए आप इसलिए जा रहे हैं तो देखिए आप दुखी ही रहेंगे खुश नहीं रहेंगे भाई मन नहीं है तो साफ कह दो देखो मैं नहीं जा सकता आप अकेले चले जाओ अगर फिर भी वो नाराज हो रहा है तो भैया ऐसे लोग नाराज ही रहें तो ही अच्छा है दूसरी बात और देखिए खुश रहने के लिए खुद को समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी है चौबीस घंटों में कुछ घंटे खुद के लिए निकालिए और देखिए अगर कोई कमी आपके अंदर नज़र आ रही है तो उस कमी को दूर कर दीजिए भाई मान लेते हैं आप बहुत मोटे हैं जिसको लेकर आप दुखी रह रहे हैं भाई तो अच्छी डाइट लीजिए ना वॉकआउट करिए रनिंग करिए पतले हो जाएंगे ये चीज़ तो आप सही कर सकते हैं तो फिर क्यों दुखी रह रहे हैं तीसरी बात और देखिए हमेशा ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनकी सोच सकारात्मक हो नकारात्मक नहीं जो हमेशा हर बात पे दुखी रहता हो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए भाई आप ही बताओ ऐसे लोगों से मिलकर क्या आप कभी खुश रह सकते हो ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुद आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकें चौथी बात और इसमें देखिए आपको हमेशा अच्छी आदतें ही डालनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए भाई कल को ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं आप जो बहुत अधिक शराब पी रहा है देखिए कल को आप बुरा फंस सकते हैं अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो यकीनन आप बुरे फंस जाएंगे पांचवा और सबसे बड़ी बात आपको हमेशा स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम पाँच दिन वर्कआउट करना चाहिए भाई अगर आपका स्वास्थ्य खराब है बताइए आप कैसे खुश रह सकते हैं देखिए जो भी बातें बताई हैं उसे अच्छे से समझ लीजिए और खुश रहिए देखिए यह जिंदगी बहुत छोटी है साहब इससे दुखी रहकर नहीं गुजारना है वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें